सितारे और हमारी साक्षी हम बुंदेलखंड की धरती के लाल आशुतोष राणा जी। आशुतोष जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आशुतोष के राणा बनने की जो जर्नी है वो उसमें कुछ थोड़ा सा बताए। देखिए, आशुतोष राणा हमारे पिताजी का नाम है राम नारायण, तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का सबसे अच्छा परिचय उसका पिता होता है, उसकी माँ। तो राणा को आप राम का रा और नारायण का ना आप ये मानिए, क्योंकि उन्हीं ने हमें बनाया है। और अगर वो ना होते जगत में तो हम ना होते जगत में, तो ये जो जीवन है, ये जो जन्म है, ये उन्हीं का दिया हुआ है, तो उन्हीं को समर्पित। पर ये कुछ जर्नी रही आपकी अगर बुंदेलखंड की धरती से लेकर और जिस तरह से भारतीय सेना के फलक में आपका उदय हुआ और जिस तरह से आपने इतनी तरह की भूमिकाएं अदा की जो निश्चित तौर पे डराती भी हैं, सुखद अनुभव भी देती हैं और आपके बहुत सारे व्यक्तित्व को दिखाती हैं, तो वो सब पूरा किस तरह से हुआ, उन संघर्षों के बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोगों को कर्म से मिलता है, कुछ लोगों को भाग्य से मिलता है और एक तीसरी श्रेणी होती है कि कुछ लोगों को कृपा से मिलता है। तो मैं उस तीसरी श्रेणी का व्यक्ति हूँ जिसको कृपा से मिला। आशुतोष राणा के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री हमारे, जिनको हम सब लोग जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हम सब गुरु भाई, पूरे देश विदेश में जितने भी लोग फैले हुए हैं, तकरीबन 10-12 लाख गुरु भाई हैं हम लोग, हम सब लोग उनको प्रेम और आदर से दत्ता जी के नाम से बुलाते हैं, वो गृहस्थ संत हैं। तो उनकी अनुपम कृपा हमारे ऊपर रही कि ये आशुतोष राणा जो शेष आशुतोष हुआ करता था वो एक विशेष आशुतोष की स्थिति में आ गया। या ये कहें कि प्रतिभाएं तो हर व्यक्ति को परमात्मा जन्म से देता है, लेकिन हर प्रतिभावान व्यक्ति या हर प्रतिभा दक्षता में नहीं बदलती है। तो वो दक्षता में बदलने का जो श्रेय जाता है वो हमारे आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य दत्ता जी को जाता है। तो उनकी अनुपम और अहेतुकी कृपा हमारे ऊपर रही, या ये कहें कि उन्होंने कृपा करके सौभाग्यपूर्वक हमें अपनी गोद में स्वीकार कर लिया। जो हमारी बहन यहाँ पर ब्याही थी और हमारे जो ब्रदर इन लॉ थे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, तो और वो छोड़ चुके थे यूनिवर्सिटी, तो उनको लगा कि एक लड़का उनको ऐसा चाहिए जो उनकी उस विरासत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए। तो एक जो बेतरतीब ऊर्जा थी, या ये कहें कि एक जो सिर्फ जोश वाली स्थिति हुआ करती थी, उसमें परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से होश की स्थिति पैदा हो गई। तो जोश और होश का जो सम्मिलन हुआ, तो उसने एक आशुतोष को आशुतोष राणा बना दिया। जी, पहली फिल्म का अनुभव किस तरह से? देखिए, परम पूज्य दद्दरी ने ही हमसे कहा कि बेटा अब सागर में तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई हो गई, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हुआ करते थे और हमारा ध्येय था कि हम बहुत से बच्चे कलेक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं। हमारा ध्येय था कि हमें एक बहुत अच्छा लीडर बनना है। हम उसी नाते सागर विश्वविद्यालय, चूंकि बहुत बड़ा फलक था सागर यूनिवर्सिटी का जो आयतन था, अब तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है, लेकिन जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। उस समय 126 कॉलेज एफिलिएटेड हुआ करते थे, राइट फ्रॉम बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर में है, वहां से लेके यहाँ पर आप चले जाए छतरपुर जो बुंदेलखंड खजुराहो जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा, और इस तरफ आप चले जाए छिंदवाड़ा और ये होशंगाबाद, तो पूरा महाकौशल का जो क्षेत्र है, तो हमारे लिए एक बड़ा फलक था। और हमको लगा था कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से कम मध्य प्रदेश के 40-50 शहरों में और कहीं ना कहीं हम अपना दायरा बढ़ा लेंगे। लेकिन परम पूज्य दद्दा ने ये तमाम गतिविधियों के ऊपर रोक नहीं लगाई। उन्होंने हमसे कहा कि बेटा ये सब कर रहा हो, दंदफंद ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारा शौक है नाटक नौटंकी तुम जो करते हो, इसको बेटा करते रहो। तो हमारे थिएटर यहाँ पे विश्वविद्यालय में ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट हुआ करता था, तो हम उसमें भी एक्टिव थे। फिर पूज्य दद्दा ने कहा कि बेटा NSS NCC वगैरह में भी एक्टिव रहो, सोशल एक्टिविटीज बनती रहेगी, तो हम उसमें भी एक्टिव थे। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चल रही थी। और फाइनली 1991 में उन्होंने हमसे कहा कि ये सब दंद पंद बंद करो और एक नाटक का स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में,
उसके लिए तुमको अप्लाई करना है, अब वक्त आ गया है कि अपने शौक को अपना व्यवसाय बना। तो हमने अप्लाई किया और उनकी कृपा से पहले ही अटेम्प्ट में हमारा उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर उनका निर्देश मिला कि 3 वर्ष तक बिल्कुल शांति से और विनम्रता पूर्वक तुमको ये प्रशिक्षण पूरा करना और अगले आदेश की प्रतीक्षा करनी। तो 1984 में जब मैं निकला वहां से पास आउट होके एनएसडी से 1994 में, तो सीधा मैं दद्दा जी के पास गया दिल्ली से। और दद्दा जी ने कहा कि बेटा अब दिल्ली छोड़नी है और अब तो तुमको मुंबई जाना है, मुंबई में जाकर महेश भट्ट साहब से मिलना है और किसी से नहीं मिलना, सिर्फ उन्हीं से मिलना है। तो उस नाते हमने पूरी की पूरी अपनी ऊर्जा उन्हीं से मिलने में लगा दी और फिर हमें स्वाभिमान मिला उनके ही द्वारा। स्वाभिमान में हमारा किरदार त्यागी का बहुत चर्चित हुआ, उनके साथ एक एसोसिएशन बन गया। तो उनके साथ एक फिल्म की हमने तमन्ना नाम की, उसमें एक केमियो रोल था। फिर उन्होंने मुझे गुलाम नाम की फिल्म में एक सीन का रोल दिया जो आमिर खान साहब की फिल्म थी। वो फिल्म का ट्रायल जब हुआ, हाफ फिल्म का आधी फिल्म का, तो दुश्मन ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। व्हाट्सएप के साथ हमारा एसोसिएशन हो चुका था और हम प्राथमिक रूप से हम दुश्मन के लिए नहीं चुने गए। उनका ये कहना था कि तुम ये इतना खतरनाक किरदार है और तुम मुस्कुराते हो तो तुम बच्चों जैसे लगते हो और ये इसका तुम जो दहशत वो तुम्हारे बस की बात नहीं। मैंने कहा कि व्हाट्सएप अभिनेता है और अभिनेताओं का तो काम ही होता है कि जो ना है, जो नहीं है, वो उससे अलग, उससे इतर वो कैपेसिटी अपनी प्रदर्शित करें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये चीज़। तो गुलाम का पूज्य दद्दा ने चूंकि निर्देश हमें दिया था, हमें बड़ी तकलीफ होती थी कि बताइए हमारी इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं, दीन दुनिया में कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव, लेकिन जब रोल की बात आती है तो कहते हैं कि ये कर लो छोटे छोटे से वो दे देते हैं और नहीं, वो नेगेटिव भी नहीं हुआ कर रहे थे उस समय। और गुलाम ने एक सीन पकड़ा दिया तो दद्दा ने उनसे कहा था कि बेटा अवसर हमेशा छोटे होते हैं पर नाम उसके विलक्षण होते हैं। गुलाम की इस एक सीन को तुमको इतनी शिद्दत से करना है जैसे पूरी फिल्म। और उनका गुरु का वाक्य तो ब्रह्म वाक्य होता है, तो वो हमारे साथ फलित हुआ। गुलाम का जब ट्रायल हुआ उन्होंने देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि दुश्मन का जो विलन वो यही लड़का होगा। और गोकुल पंडित का जो किरदार जैसे दुश्मन मिली तो बाकी तो सब फिर रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। के प्रदूषण के बाद तो उस चीज ने एक आशुतोष को आशुतोष राणा बना दिया। हाँ, मैं वही उसी सर से बात कर रहा था मैं। और दुश्मन फिल्म मैंने खुद ही 2-3 बार देखी जी। तो वाकई में मतलब जो प्रेजेंटेशन था ये एक इनोसेंट का, मतलब उनका कोई साहूकार हो गया या ऐसे वाले। फिर धीरे से हीरो बदला, अमिताभ बच्चन साहब के रूप में एंग्री यंग मैन आया, मतलब कॉमन मैन हीरो बनके वो आए कि अब हीरो सिर्फ मुस्कुराता ही नहीं है, हीरो को गुस्सा भी आता है। और उस समय फिर विलेन बदले और विलेन हो गए जो बड़े स्मगलर वगैरह हुआ करते थे, पावरफुल लोग होते थे या डकैत ऐसे कि जिनके पीछे 60-60, 100-100 घोड़े चल रहे हों, इतने पावरफुल लोग होते। तो जो कॉमन मैन विलेन है, विलेन की जो परिभाषा बदली, वो बदलने का वो दद्दा जी की कृपा से हमारे भाग में आया। दुश्मन का जो विलेन था कि उसके पास ना कोई इसका इतिहास है, ना उसके पास कोई पावर है, ना किसी किस्म की चीज है, और एक ऐसा सामान्य सा व्यक्ति है जिसकी आप शक्ल भी याद ना रखें। अगर वो आपको बाहर सड़क पे मिल जाए तो वो आपको आप उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। तो इतने सामान्य से व्यक्ति को, कॉमन मैन को, और वो इतना खतरनाक हो सकता है कि जिसको देख के ही या जिसके कृत्यों से ही आपके अंदर सिहरन पैदा हो जाए और एक दहशत का वातावरण निर्मित हो जाए। तो कॉमन मैन विलेन का जो एक फंडा है, वो जैसे कॉमन मैन हीरो का अमिताभ बच्चन साहब को अवसर मिला जंजीर के माध्यम से, वैसे ही कॉमन मैन विलेन का बदलने का जो अवसर था दद्दा जी की कृपा से,
वो दुश्मन के जरिए हमारे हिस्से में आया, आशुतोष के हिस्से में आया, और भाग्यवश दोनों ही ए से शुरू होते हैं। कभी फिल्म बनाने का मन नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं अभिनेता हूँ और अभिनेता के रूप में मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा मजदूर हूँ कि अगर कोई आर्किटेक्ट मेरे सामने नक्शा रख देगा तो मैं एक एक ईंट वैसी की वैसी जमा दूंगा जैसा आर्किटेक्ट ने स्वप्न रचा होगा। तो कागज की जो चीज होगी उसे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम अभिनेता जो होते हैं वो जो निराकार को साकार कर दे उसको आप कलाकार कहते हैं। तो जो कागज की चीज है उस कागज की चीज को उठा के आपके सामने हम जैसा का तैसा, जो चरित्र हमारे मस्तिष्क में चल रहा था उस चरित्र को अगर हम आपकी आंखों के सामने खड़ा कर दें तो, और उसमें मुझे ज्यादा सुख मिलता है। तो सिनेमा निर्माण का तो मैंने कभी भी आज की तारीख तक तो हमारा ऐसा न इच्छा पैदा हुई और न ही ऐसी कोई मंशा है। उससे कुछ लोगों को, आप अपने जैसे लोगों को एक जो छोटे से सीन के लिए इस तरह संघर्ष करता रहा, उनको कुछ फलक दे सकते हैं, उनको मौका दे सकते हैं? उनको यही फलक है कि जब आशुतोष राणा जैसे सामान्य से व्यक्ति की कुंडली खुल सकती है तो निश्चित रूप से। लेकिन मेरा ये मानना है, हर व्यक्ति से मेरी सलाह रहती है कि पहले एक दौर हुआ करता था कि लोग काम करते करते प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, अब एक दौर है आप प्रशिक्षण प्राप्त करके ही काम करते हैं। तो हर प्रशिक्षण का तभी महत्व है जब उसे प्रदर्शन के अवसर मिले, और हर प्रदर्शन की तभी उपयोगिता है जब उसके पीछे प्रशिक्षण छिपा हुआ है। तो अगर ऐसी कोई इच्छा है तो प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए बहुत अच्छे से, और प्रशिक्षण अपने आप में घर के अखाड़े का अभ्यास आपको ओलंपिक का अखाड़ा दिला सकता है। तो मेरा तो मेरा मानना है कि प्रशिक्षण प्राप्त करते रहिए, और जिसको ये कहें कि फलक देना, तो इस बात पे अखंड विश्वास है कि कोई भी प्रतिभा जो होती है, प्रतिभा के अंदर एक वेग जो होता है वो नदी के जैसा होता है कि नदी के अंदर से बहने की इच्छा होती है, उसके अंदर पूरा वेग होता है, उसके अंदर पूरा आयतन होता है, किन्हीं पहाड़ों को वो काट देती है और जिन पहाड़ों को काट नहीं पाती है वो उनके बाजू से रास्ता बनाकर निकल जाती है। तो प्रतिभाओं को वो अपना मार्ग स्वयं बनाती है। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि नदी अगर सीधी है तो नदी नहीं है। जी, वो तो सबसे नियरेस्ट मार्ग जो होता है, इसलिए जितने भी रास्ते होते हैं वो नदी के किनारे होते हैं क्योंकि वो सबसे नजदीकी रास्ते। आशुतोष और राणा जी फिल्म बने, राणा जी फिल्म, ऐसा कोई मौका है जी आपकी बायोग्राफी में? और खासतौर से जो बुंदेलखंड में बहुत रोचक रहेगी मेरी बायोग्राफी में, जिस तरह का आपको लेकर स्नेह है, प्यार है, तो कोई फिल्म दूर नहीं है कि जब बने तो उस भूमिका में आप किसे चूज करना चाहोगे कि आपकी भूमिका को कौन अदा करेगा? हम ये अदा करना चाहेंगे क्योंकि हम बड़े लालची अभिनेता और अभी हमारा पेट भराने की तो फिर वो राज खुल जाएगा, फिर वो ड्रामेटिक चीजें नहीं रह जाएगा। जब आशुतोष के रोल में आशुतोष ही होंगे जी, तो वो ड्रामेटिक चीज नहीं होंगी। अगर संजू का रोल, अगर तो फिर हम चाहेंगे कि या तो हमारा हमारे पुत्र करें या हमारे भांजे भतीजों में से कोई करे जिन्होंने हमारे जीवन को बहुत करीबी से देखा हुआ है। मनमोहन सिंह जी ने भी शेर था, किसी का शेर था, उसके बारे में नहीं था, लेकिन उन्होंने लोकसभा में कहा, हजार जवाबों से अच्छी कड़वी खामोशी, न जाने कितने सवालों की मांगी है। इसी थीम इसी संदर्भ का नया आपने रखा संसार बसाया है, ड्रामा और इन सब चीज़ों से, फिल्म और टीवी और तमाम सारी चीज़ों पर आते हुए किताबों की ओर किया है, और ऐसे वक्त में किया है जब पुस्तकें बहुत दूर होती जा रही होती हैं। हमने अभी सागर कई जिसे हम लोगों ने देखा, 7,000 पुस्तकें हैं, उन्होंने मेंबरशिप बंद कर दी क्योंकि कोई मेंबरशिप लेने वाला नहीं, जैसे किताब दे जाता है एक बार उनको पहुँचा नहीं होगा, उन्होंने अपना सिस्टम बंद कर दिया। लेकिन आपकी बेस्ट सेलर पुस्तक जो आई तो
मौन मुस्कान की माँ, ये खुद का ही विचार है, ये खुद का ही विचार है, क्योंकि मुझे लिखने में तीनों चीजें जी, आपका मौन भी, आपकी मुस्कान भी और आपकी माँ भी, तीनों चीजें आपसे ही फिर बैठती हैं जी। ये खुद का ही हमारा विचार है, खुद की ही इच्छा है। मेरा ये मानना था कि या तो कुछ ऐसे काम करिए जिसके ऊपर लोग वर्षों लिखते रहे, या कुछ ऐसा लिख जाइए जिसके ऊपर लोग, जिसको लोग वर्षों पढ़ते रहे। और परम पूज्य दद्दा जी की कृपा से, चूंकि मैं मूलतः देहाती आदमी हूँ, और देहाती आदमी का जो फलक होता है, जो आसमान होता है, वो बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि उसने खाक से लेके एक लंबी यात्रा की हुई है। तो जो अनुभवों का पुलिंदा होता है रोज, और हम और आप अगर हम ये कहें कि हम भारत में हैं, तो क्या भारत का अर्थ चारमीनार, भारत का अर्थ क्या वो पहाड़ियां या वो समुद्र के किनारे हैं, या गुवाहाटी और चौपाटी है, या भारत का अर्थ कश्मीर और कन्याकुमारी है? भारत का अर्थ ये है कि आप भारत हैं, ये भारत है, तो मैं भारत हूँ। यानी हर व्यक्ति के अंदर उसका अपना एक देश होता है, तो उस देश को या उस विचारधारा को जो आपको अनुभव के रूप में जब आप मिलते हैं व्यक्तियों से, और जब मिल जाती है और उसे अगर आप कहानी का जामा पहनाते हैं, तो आपके सामने दृश्य परिदृश्य, देश काल स्थिति परिस्थिति, चित्त चरित्र चाल चिंतन सब कुछ खड़ा हो जाता है। देखिए क्या होता है कि हर कल्पना के पीछे, कल्पना में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो बिना सत्य के जन्म ले सके। अगर हम मान लीजिए आज की तारीख में हमें कहें कि ये सारी कल्पना है कि एक पक्षी है जिसके हाथी जैसी सूंड है, जिसके शेर जैसे पंजे हैं, जिसके पास मोर के पंख हैं, लेकिन उसके पैर हिरण के जैसे हैं, तो ये सारे के सारे रेफरेंसेस हमारे पास सत्य में मौजूद हैं। हमने हाथी भी देखा है, शेर भी देखा है, हिरण भी देखा है, खरगोश भी देखा है, और हमने इन तमाम जो देखे हुए सत्य हैं उनको हमने एक उन सत्यों से मिलाया और एक कल्पना का एक नया पक्षी हमने खड़ा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की कोई भी कल्पना हो, उसे जन्म लेने के लिए सत्य के गर्भ का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो ये जितनी भी तमाम चीजें हैं, ये अनुभव होते हैं कि व्यक्तियों से जब आप मिलते हैं तो वो अनुभव होते हैं। तो जब भी कभी कोई किसी विसंगति को, व्यंग का अर्थ भी ये होता है कि विकृत अंग को इस तरीके से समाज के सामने रखना कि समाज को वास्तविकता का पता भी लग जाए और बुरा भी ना लगे। आप हंसते हंसते गुदगुदाते गुदगुदाते किसी व्यक्ति को आप उस बात को सोचने के लिए विवश कर सकते हैं। तो व्यंग्य जो है वो कोई अलग से विधा नहीं है, वो हर साहित्य में मौजूद होता है कि जब आपको ऊपर की बात समझ में आती है तो वो हास्य होता है, लेकिन जब आपको अंदर की बात समझ में आती है तो वो व्यंग्य होता है। जब आपको ऊपर की बात समझ में आती है तो आप जोर से ठहाका लगा के हंसते हैं, लेकिन जब आपको किसी के अंदर की बात समझ में आती है तो आप मुस्कुराते हैं। तो वो वाली जो बात है, चूंकि अभिनेता है तो इस इन भावों को, विभावों को, अनुभावों को कहीं ना कहीं समझने की हमारे अंदर रुचि थी या इच्छा थी, तो इस वजह से तो उनको इलाका, उनको अन्य महाराज कहता था। तो माँ चूंकि काफ़ी सक्रिय थी, प्रतिष्ठित थी, तो माँ ने सब लोगों को बताया, तो बोले कि भाई उनको नेत्रहीन है, तो उनको लुप्त लोचन महाराज कहा था, कि जिनके नेत्र लुप्त हो चुके हैं। तो फिर पिताजी ने हम लोगों से कहा कि बेटा एक बुंदेलखंड में अपने तक कहावत है कि कनवा से कनवा कहो तो तोता जय रूठ, हीरे हीरे पूछ लो कि कैसे गई थी तो बोले उसमें वो तमाम चीजें तुमको समझ में आ जाएंगी। तो किसी भी व्यक्ति को दोनों का मिश्रण है, माताजी पिताजी, निश्चित रूप से माताजी से हमको विचार मिले और पिताजी से कहने का तरीका ठेठ अंदाज में मिला। क्योंकि ये माता जी का जो शब्द है वो एक बहुत साहित्यिक शब्द है जी, बिल्कुल लुप्त लोचन महाराज वो कहती थी कि भाई इनका नाम लुप्त लोचन महाराज, तो हम लोग उनको लुप्त लोचन महाराज के ही नाम से जानते थे। अभी तो आपकी दो तीन बड़ी, अब जैसे वो जो जिनको कान में सुनाई नहीं पड़ता,
तो उनको वो बहरा नहीं कहते, अल्पश्रुत कहते थे बेटा, वो अल्पश्रुत। तो ऐसी तमाम चीजें वो हम लोगों को बताती रहती थी। तो और वो जो जिनको ये पता लगा कि दोष होता था तो उनको भी खराब नहीं लगता, तो उनको लगता था कि हाँ भाई हम अल्पश्रुत हैं, तो आप उनसे बहरा कह दीजिए तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन आप ये कहेंगे नहीं वो उनकी श्रुति जो है वो अल्प है, तो अल्पश्रुत है, तो कहेंगे जी जी मैं थोड़ा सा कम सुन, मुझे ऊंचा सुनाएंगे। तो वो वाली जो बात है धीरे धीरे पूछ कर भाई देखा कि फूट गई थी कैसे, तो वो वही चूंकि मौन मुस्कान की मार का ही मतलब ये है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी औषधि का काम करती है। जैसे मौन के बारे में तो कहा ही जाता है कि मौन एक इतना कमाल की चीज है कि अगर आप मूर्ख हैं तो बुद्धिमानों के बीच में वो आपको बुद्धिमान साबित कर देता है, और यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपका मौन बुद्धिमानों में आपको महाबुद्धिमान के रूप में स्थापित कर सकता है। ऐसे ही मुस्कान का है कि जब आप किसी की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं तो मुस्कान एक ऐसी चीज है कि जो अपरिचय को भी सुपरिचय और बंधुत्व में बदलने की क्षमता रखती है, और वो बहुत अच्छा स्नेह लेप हो जाए। और उसमें भी मुस्कान के भी कई रूप होते हैं कि कटु मुस्कान होती है, छली मुस्कान होती है, कई किस्म की कुटिल होती है, कई किस्म की मुस्कानें होती हैं, और बड़ी स्निग्ध मुस्कान इस तरह की बात लोग कर देते हैं, लेकिन वो हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मुस्कान कुटिल नजर आती है, जबकि मुस्कान बड़ी जटिल चीज है, कुछ कुटिल नहीं, क्योंकि मुस्कान को समझना अपने आप में बड़ी टेढ़ी की होता है। तो जब मौन और मुस्कान ये मिल जाते हैं तो उसकी जो मार पड़ती है व्यक्ति के ऊपर, उस मार से सिर्फ उससे निशान भी नहीं पड़ते लेकिन शिक्षा भी मिल जाती है। अभी बड़ी मेहनत जी वेब सीरीज पे भी आप काम करते हैं, सिनेमा कितना बदला है? देखिए सिनेमा हो या समाचार जिसे हम मीडिया कहते हैं, ये समाज के प्रतिनिधि नहीं होते, समाज के प्रतिबिंब होते हैं। हाँ, तो जैसे जैसे समाज बदलता जाता है, जैसे जैसे बिंब बदलता है, वैसे वैसे ही आपका प्रतिबिंब भी बदलता जाता है। तो इसको मैं एक शाश्वत प्रक्रिया के अंतर्गत लेता हूँ कि पहले पता लगा कि लोग पारसी थिएटर करते थे, सिनेमा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा थिएटर करना है आपको तो आपको उस अड्डे पे जाने की जरूरत पड़ेगी जहां पर वो नाटक हो रहा है। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब एक समय में हजार आदमी नहीं, अब एक समय में सागर में भी आदमी देख लेगा, भोपाल में भी देख लेगा, इंदौर में भी देख लेगा, जयपुर में भी देख लेगा, लुधियाना में भी देख लेगा, दिल्ली में भी देख लेगा, लखनऊ में भी देख लेगा, पटना में भी देख लेगा। तो इस किस्म से उन्होंने फलक कर दिया कि अब भैया इसमें और एक शो नहीं, अब इसके तीन शो होंगे, चार शो होंगे, पांच शो होंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब अब आपको एक समय में ही उस चीज को आप सिनेमा के माध्यम से दिखाने लगे। फिर उन्होंने कहा नहीं अब आपको वहां भी आने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं हम वहीं आ जाएंगे, आपके घरों में तो टेलीविजन आ गया था, अब आपको घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है, हम जो भी दिखा रहे हैं वो आपको आपके ड्राइंग रूम में पहुंचा के। अब उन्होंने कहा अच्छा ड्राइंग रूम में भी झंझट है भाई, देखिए हमारी नौकरी की मारामारी और हमारा पूरा ट्रैवलिंग में टाइम निकल जाता। तो उन्होंने कहा ओके चिंता मत करिए, अब आपका जो है वो हम वेब सीरीज के माध्यम से मोबाइल के ऊपर इन तमाम चीजों की उपलब्धता हम आपको उपलब्ध करा देंगे, तो ट्रैफिक में भी अब झगड़े कम होंगे, या आपको जो वेटिंग पीरियड है जो आपको बार बार तंग करता था वो भी आपको नहीं करेगा, आप व्यस्त रहे आएंगे। तो आपके समय का तो तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे माध्यम बदलते चले गए, माध्यम बदलते चले गए, यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं समाज की अपनी भी लगातार निरंतर परिवर्तित रहने वाली एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो परिवर्तित होता है वही जीवित होता है। जैसे हम और आप जब अस्पताल में जाएं तो एक मशीन लगी होती है जिसमें ऊपर नीचे लाइन चलती रहती है, लेकिन अगर वो सीधी लाइन हो जाए तो इसका मतलब है कि जीवन समाप्त हो गया। तो ऐसे ही समाज की जो प्रक्रिया है वो ऊपर नीचे लगातार चलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो जैसे जैसे वो परिवर्तित होता है तो मैं इसको बड़े उसमें लेता हूँ, सुखद उसमें लेता हूँ। जब जैसे अगर देखें कि जैसे दुश्मन है या संघर्ष है या डेंजर है, शबनम मौसी है जैसी फिल्में हम करते थे उस समय, ये फिल्में ऑफ बीट हुआ करती थी, आज की तारीख में वो मेन स्ट्रीम फिल्म,
कि लोग अब उनको सिर्फ ऑफ बीट नहीं मानते, अब उसको क्या मानते हैं साहब, ये मुख्य धारा की फिल्म है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी रुचि, हमारा अनुभव, हमारी दृष्टि जैसे जैसे बदलती है, हम वैसे वैसे चीजों को अंगीकार करते जाते हैं। सबसे जटिल तो मुझे लगता है कि आपका संघर्ष का हम अगर कहें तो जटिल में जितने भी हमने फिल्में की हैं ये सारे जटिल रोल हैं। हमने ऐसा कोई रोल लिया ही नहीं जो बड़ा सादा था, चाहे दुश्मन का गोकुल पंडित हो या संघर्ष का नजशंकर पांडे या शबनम मौसी के ऊपर बनी हुई फिल्म शबनम मौसी हो या डेंजर का नैनेश बोरा हो या चोट का किशन यादव हो या राज का प्रोफेसर अग्निहोत्री हो या सिम्हा का नित्यानंद मोरे हो या सोन चिड़िया का इंस्पेक्टर गुज्जर हो या हम्टी शर्मा के मिस्टर सिंह हो या मुल्क का संतोष आनंद हो या हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हमारी जो सोन चिड़िया है उसका सीतापति शुक्ला। तो कहने का अर्थ ये है कि इनमें से कोई भी किरदार ऐसा नहीं है जो बड़ा सीधा साधा सरल किरदार हो। ये एक अलग बात हो सकती है कि वो सारे जटिल किरदार थे, किन्हीं को दुश्मन पसंद आई तो किसी को संघर्ष पसंद आई। सबसे ज्यादा है कि आपके जो रोल है वो बदलते गए, मतलब एक विविधता का बड़ा रूप जी, क्योंकि कला में ये आवश्यक होता है, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है क्रिएशन। प्रोडक्शन में रिपीट वैल्यू का महत्व है, आपके अखबार की क्वालिटी आपको रिपीट करनी पड़ती है। अगर आप इसे रोज बदलेंगे पन्ने तो अखबार पिट जाएगा, करेक्ट। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी आपको रिपीट करनी पड़ेगी जो आपकी क्वालिटी है, तो प्रोडक्शन आपका हिट होता रहेगा। और क्रिएशन में अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो क्रिएशन की किस मुख्य सेलिंग पॉइंट जो है वो विविध। तो आशुतोष के मन में अदाकार होने की इच्छा नहीं कि मेरी एक अपनी एक निश्चित अदा है कि मैं चाहे दुश्मन का गोकुल पंडित हो या संघर्ष का लक्ष्मणशंकर हो या शबनम मौसी हो या मिस्टर सिंह हो या नित्यानंद मोरे या जनार्दन पंडा मिलन टॉकीज का, कि मैं वैसा ही करूँगा, वैसा ही बोलूँगा, वैसा ही चलूँगा, तो आप अदाकार की श्रेणी में आ जाते हैं। आपकी मिमिक्री हो सकती है कि वो आप किसी भी फिल्म में रहे वो ऐसे ही बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसकी मिमिक्री नहीं होती। अगर मेरी मिमिक्री करनी है तो आपको मेरी फिल्में उठानी पड़ेगी कि दुश्मन के आशुतोष राणा ऐसे थे, संघर्ष के आशुतोष राणा ऐसे। ये चुनाव हमारा सोचा समझा था। दूसरा, बॉलीवुड को लेकर मैं इसको बटने का सबब नहीं मानता, मैं इसको ये मानता हूँ कि जितनी दृष्टियाँ होती हैं उतने दृष्टिकोण होते हैं, संसार में जितने व्यक्ति होते हैं उतने ही विचार होते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी सहजता है, अपनी अपनी दृष्टि से व्यक्ति अपना अपना सत्य देख रहा है, और जो सत्य देख रहा है अंतर सिर्फ इतना है कि हम इसको द्वंद में इसलिए कन्वर्ट कर देते हैं कि हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं जो देख रहा हूँ वही सत्य है। तो जब सत्यों के बीच में निरंतर टकराव होगा तो हमको ये लगता है कि द्वंद है, जबकि जो आप देख रहे हैं अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैं देखूंगा तो मैं कहूँगा कि मेरे सामने कंप्यूटर है और फाइलों के गत्ते रखे हुए हैं, आप ये कह सकते हैं कि आशुतोष आप झूठ बोल रहे हैं। आप क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि नहीं सिर्फ प्लेन ग्लास है और आधा ग्लास है और आधा सफेद रंग का वो है, कंप्यूटर की कहाँ की बात कर रहे हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ वह भी सत्य है, आप जो बोल रहे हैं वो भी सत्य है, अंतर इतना है कि अगर सत्यों को देखना है मुझे आपके और आपको मेरे, तो हमें एक दूसरे के सामने नहीं एक दूसरे के साथ में खड़ा होना होगा। तो जैसे ही हम साथ में खड़े होंगे, क्रिएटिविटी का काम है, बाकी चीज़ों का काम है, सत्ता है और हमारी चीज़ें व्यवसायिक चीज़ें हैं चीज़ों में, पर जितना अभी स्पष्ट रूप से होता है या तो विरोध में या समर्थन में, बीच तो रास्ता छूटा नहीं है। देखिए राजनीति में भी यही हाल है जी, पर उसका असर बॉलीवुड पे हम लोगों ने इससे पहले नहीं देखा। देखिए इससे पहले तो इतनी किस्म की जागरूकता, क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरीके से आज की तारीख में हावी है कि हम और आप अखबार के दफ्तर में बैठे हैं लेकिन हम किससे लाइव ले रहे हैं, तो आज की आपके यहाँ अब सिर्फ शशिकांत ही पत्रकार नहीं है, रस्ते पे चलता हुआ हर वो आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है वो भी एक किस्म का पत्रकार है या संवाददाता है, कम से कम वो संवाददाता का रोल तो आपके लिए कर ही सकता है। तो तात्पर्य ये है कि जो घटना हम
अखबार पढ़ते थे आज की ताजा खबर, जबकि वो कब की ताजा खबर होती है, कल घटना घटित हुई थी और आज हमको ये अखबार मिला और उसको हम क्या कहते थे, आज की ताजा खबर। फिर आप टीवी पे आ गए तो मतलब सुबह जो घटना घटित हुई उसी दिन, तो आपने कहा कि साहब इसको आप वर्तमान की, लेकिन अब आज की तारीख में जो है वो क्या है कि आप अखबार पे नहीं हमें रहना है जिम्मेदार, या अब हमको सिर्फ टीवी के ऊपर ही कि हमें कोई खबर की जानकारी हमें तभी मिलेगी जब हम ये करेंगे कि टीवी ऑन करेंगे अखबार पढ़ेंगे। जब घटना जिस समय घट रही है उस समय वो देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी मिनटों में। तो जैसे जैसे संचार का प्रसार और प्रचार उसकी गति जो बढ़ी है, तो इस वजह से हमको और आपको ये लग रहा है कि कई खेमे बन गए हैं और कई किस्म के बंद हो गए, जबकि ये माध्यमों की जो तकनीकी क्रांति जो हुई है उस तकनीकी क्रांति का ये एक किस्म का प्रभाव कि अब अगर कुछ मान लीजिए गुवाहाटी में घटित हो जाता है तो आपको सागर में बैठ के तुरंत पता लग जाता है, और जैसे ही पता लगता है और फिर हमें कहने के लिए अगर कुछ बात पहले अगर होती तो हमें शशिकांत के से प्रार्थना करनी पड़ती कि भैया हमारे घर चोरी हो गई है, ऐसो ऐसो होगा तनक लिख दई, और शशिकांत भी कहते कि हाँ हमें पूछने पड़ा संपादक जी से, तो संपादक जी कहते काम करो ना हो तो तुम चार लाइन की खबर डाल दो। आज की तारीख में मुझे या किसी भी व्यक्ति को आपके पास आने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट अगर हम और आप देखेंगे तो टेलीविजन पर जो मीडिया हाउसेस हैं या अखबारों में भी एक पन्ना अब सोशल मीडिया की न्यूज का होने लगा है कि आपको वो लीड कहां से मिले, वो कोई भी हो सकता है। तो जब इस किस्म की जो हमारी ताकत बढ़ी तकनीकी रूप से, तो इस वजह से हमारे पास अब हमको आप ना सुने हमारी बात, मैं मेरे अपने टाइमलाइन पे लिख दूंगा फेसबुक पे, मैं अपने ट्विटर के ऊपर लिख दूंगा और लिख के मैं फुर्सत हो जाऊंगा, या इंस्टाग्राम पे लिख दूंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अब हमारे पास मीडियम भी है, हमारे पास साधन भी है, माध्यम भी आ गया, साधन भी आ गया, घटनाएं भी घटित हो रही हैं, और उसका एक प्रचलन में भी वो चीज आ गई है कि अब आपको कोई चीज बैठे बैठे भी हम न्यूज पढ़ सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं। तो तात्पर्य ये है कि इस वजह से हमको और आपको ये लग रहा है कि साहब अब बट गया, अब बटा नहीं, अब चूंकि तेजी के साथ प्रचारित तो और प्रसारित हो रही है चीज, और सबके पास एक अपने विचार को रखने का एक प्लेटफॉर्म है, तो इस वजह से हमको और आपको ये लग रहा है कि यार अब लोग वोकल हो गए। वोकल पहले भी थे, लेकिन अब मान लीजिए कि कल को कोई घटना गाडरवारा में घटित होती, हम अपने घर में बोल रहे थे, पड़ोसी ने भी नहीं सुनी। अब कोई आदमी आके तब कहां थे जब ये हुआ था, उस समय तो तुम नहीं थे, तो भैया उस समय तुम भी नहीं थे ये पूछने वाले। अब ये, तो हाँ, ये बड़ा अजीब सा, अब तो आज की तारीख में तो अब तो यहाँ पे कोई भी बैठे हुए संवैधानिक पदों पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है। तो इसको हम ये ना माने कि हमारी फितरत में परिवर्तन आया है, हमारी फितरत वैसी ही थी, हमारे पास अब साधन आ गए अपनी फितरत को पहुंचाने के, एक्सप्रेस करने के हमारे पास साधन आ गए, मुस्लिम और मौन से चीजें बाहर आ चुकी हैं। जी निश्चित रूप से, क्योंकि पहले अगर कोई घटना घटित होती थी, अगर आप लोग तो चूंकि अखबार हैं तो आपको पता है कि उस घटना की यात्रा कितनी लंबी होगी, लेकिन अब तो पता लगा कि दफ्तर में आपके बाद में आएगी घटना। पहले अभिनय कला में पहले टाइप होता था, टैग हो गया है कलाकार, शक्ति का विजय हो या जंजीर का सब इंस्पेक्टर हो, वो लगभग एक समान था, लेकिन अब वो चेंजेस आ गए हैं कि वो कलाकार जो है अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है, इसको ये वही तो हमने कहा कि एक होता है अदाकार और एक होता है कलाकार, हर कलाकार के अंदर ये इच्छा होती है कि विविधता से भरा अपने नए नए आयाम, बहु हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए हाजी साहब का एक शेर, तो इसका मतलब ये है, या हमने गीता में भगवान कृष्ण ने हम लोग को आपको सबको सूत्र दिया कि जो कुछ भी तू देख रहा है वो मुझसे ही निकलता है, मुझ में ही समा जाता है। हर आदमी का एक ब्रह्मांड होता है,
जरूरत होती है कि उन तमाम चीजों में जो आवश्यक किरदार हैं या कोई आपको मिला कि स्क्रीन के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको लाना है, आप उसमें खाद पानी डालिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो किरदार निकल आता है। तो ये जो विविधता है, विविधता का ही रस होता है। अगर आपकी खबर एक सी रहने लगे तो पहले आपको चार कॉलम मिलेंगे, फिर संपादक जी अचानक देखेंगे, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपको बड़ा प्रेम करते हैं तो कह देंगे कि इसको दो कॉलम भी कर दो। फिर देखेंगे तो अच्छा शशि ही लाए हैं तो पता होगा यार वो, जैसे अगर आप देखें तो आप कई खबरें आप पढ़ते भी नहीं, क्यों? क्योंकि आप उस पत्रकार का सुर समझ चुके हैं कि इसने क्या लिखा होगा। तो एक रस्ता जिसे जो अल्टीमेटली नीरसता को जन्म देती है, और हम और आप तो सब रसीले धंधे में है जो नवरंग से भरा हुआ है, तो नवरंग को जब आप एक रंग में करते हैं तो एक किस्म की ऊब पैदा होती है। तो उस ऊब से बचने का एक ही जरिया होता है कि एक रंग को आप नवरंग में कन्वर्ट कर पाए। तो इसलिए जो विविधता है, एक सवाल का चला आपसे बहुत ईमानदारी से चल रहा है, क्योंकि सवाल ऐसा है इसका जवाब ईमानदारी से मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैंने मेरा आपसे पहले का बड़ी जो सवाल का जवाब दिए हैं ये भी ईमानदारी से दिए हैं, पर इसका जवाब चूंकि ईमानदारी से बहुत मुश्किल से मिलता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। राजनीति में कहा, राजनीति में ईमानदारी की बहुत बात कर रहा हूँ कि एक होते हैं गुरु के शिष्य, एक होते हैं गुरु के सेवक और एक होते हैं गुरु के दास। तो आशुतोष राणा जो है, जो शिष्य होता है वो जहां गुरु देख रहे होते हैं वो वहां देख रहा होता है, उसको लगता है कि संसार का सत्य यही है। जो भक्त होते हैं जहां गुरु देख रहे होते हैं वो वहां भी देख रहा होता है और गुरु की तरफ भी देख रहा होता है, और जो दास होते हैं वो वहां नहीं देखता जहां गुरु देख रहे हैं, उसे गुरु की तरफ देखता रहता है कि अगर आपको कुछ काम होगा तो आप मुझे उस सत्य तक भेज देंगे। तो आशुतोष राणा जो है वो दास की श्रेणी का व्यक्ति है। तो मैं, मेरे जीवन की कभी मैंने कोई योजना नहीं बनाई, बहुत ईमानदारी की बात है। मैं परम पूज्य दादा जी का दास भी कहूँ और दास की श्रेणी में आ जाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन हमारे जीवन की नीति निर्धारण या हमारे जीवन का जो कुछ भी है वही निश्चित करते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि सिनेमा करो और सिनेमा में मुझे आनंद आ रहा है, ये तय है कि जिस पल मुझे अभिनय में आनंद मिलना बंद होगा निश्चित रूप से मैं अभिनय के क्षेत्र से अपने आप को अलग कर लूंगा। और मैं ये मान के चलता हूँ चूंकि मेरे ऊपर गुरु कृपा है तो जब तक उनको अभिनय करवाना होगा तब तक मुझे अभिनय में आनंद आता रहेगा, और जिस पल उनको लगेगा कि अब अभिनय नहीं कुछ और करना है तो उस पल वो इसमें से हमें रुचि और रस दोनों ही निकाल देंगे। चुनाव कोई भी है जी, आज तो सभी पार्टियों से रहते हैं। हाँ, ये एक बड़ी आनंद की बात है कि, और ये मुझे लगता है कि ये कितना बड़ा प्रेम है या एक आशुतोष के ऊपर कितना विश्वास है कि जहाँ पे लीडर्स अपने लिए क्षेत्र चुनते हैं, मुझे लगता है कि अपने आप में आज के समय में सबसे बड़ी अर्जन हो, सबसे बड़ा अर्जन होता है विश्वास का अर्जन। हम और आप धन तो कमा लेते हैं लेकिन किसी की सराहना और किसी का विश्वास कमा पाने के लिए पीढ़ियां गुजर जाते हैं। कश्मीर में कभी कोई फिल्मों की आपने शूटिंग हुई? जी, मैंने कश्मीर में अपनी एक टेलीविजन सीरीज है 1998 के आसपास, 97-98 या 99 के आसपास हमने वहाँ पर शूटिंग की। तो इस समय कश्मीर बड़ी चर्चा में जी, और हिंदुस्तान में तो शुरू से ही चल रहा है और हम सब कहते रहे पर दूसरे कारणों से चर्चा है। अगर विशेष दर्जे की बात करें उसको तो वापस हो चुका है, तीन खंडों में राज्य का बंटवारा हो गया, उसके बाद से बहुत सारे व्यक्त कर रहे हैं पर मैक्सिमम चीज़ें एक एक्सट्रीम में कही जा रही हैं। पर चूँकि आप सृजनात्मक तरीके से चीज़ों को महसूस करते हैं, कश्मीर से आपका देखा भाला है, कश्मीर में 3-4 बार गया, मतलब 1984 में भी कश्मीर गया हूँ
मैं 1988 में भी कश्मीर गया हूँ जब मैं सागर विश्वविद्यालय में पढ़ता था, और फिर उसके बाद एक अभिनेता के रूप में भी मैं कश्मीर गया। इस पूरे संदर्भ में कैसे देखता हूँ? मैं इस पूरे संदर्भ को ऐसे देखता हूँ कि जैसे भारत जब आज़ाद हुआ तो विभिन्न रियासतें थी, तो कुछ रियासतों का विलय उस समय भारत के अंतर्गत हो गया, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें से एक रियासत कई किस्म की कई लोगों ने शर्त रखी, जिसमें कश्मीर की इस शर्त को मान लिया गया 370 के अनुच्छेद में, तो ओके आप अभी शामिल हो जाइए और आप इस विशेष दर्जे को आप ये मांग रहे हैं तो चलिए, लेकिन आप भारत के अभिन्न अंग हो गए। तो अब उस चीज को जो दर्जा है, तो वर्तमान परिस्थितियों में कि जिसको हम ये कहते हैं कि एक कानून कि जो हम और आप सब कहीं ना कहीं चाहते हैं, तो उसी दिशा में ये प्रयास किया गया कि भाई भारत के तो हर प्रांत विशेष, तो वैसे ही इस चीज को मैं दृष्टिकोण से लेता हूँ कि हर प्रांत विशेष है और हर प्रांत के अंदर मैं इसको ये नहीं मानता कि विशेष दर्जा खत्म हुआ, मैं ये मानता हूँ कि इस दर्जे के साथ हर प्रांत की विशेषता प्रमुख होती है। इसे विशेषता हर प्रांत को कहीं ना कहीं ये बताया गया कि हम और आप सब विशेष हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, या हमारी नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी सेवन सिस्टर्स हैं वो हों, तो ये सारे के सारी चीज़ें उस तरीके से अगर देखा जाए तो वैसा ही मैं इसको बड़ा सकारात्मक कदम। हम विलय को लेकर बात करते हैं, रियासतों से जोड़ते हैं उसको, रियासतों का विलय का जी, लेकिन मुझे लगता है कि देश थी, अगर हम रिवर स्टेट की बात करें तो देश का उसका अपना कानून था, उसके जी अलग अलग देश हुआ, उनकी अलग मुद्रा होती थी, पता लगा आगरा की मुद्रा वृंदावन में नहीं चल रही, हम बाद में कॉमन करते गए, कुछ चीजें हमारी कॉमन होती थी जी, लेकिन दंड जो विधान थे वो हर राज्य के, हर देश के अलग अलग, राज्य के अलग अलग जी, मुद्राएं भी अलग हुआ करती थी जी। तो कश्मीर को लेकर सकारात्मक चीजों के लेकर बात कर रहे हैं, शुरू कश्मीर जा चुके हैं और वहाँ के लोगों को देखा है, एक जो आइडेंटिटी की बात जिसने अभी जिक्र किया कि रियासतों का विलय नहीं हुआ, कि देशों का विलय हुआ था और उनमें बुंदेलखंड का हिस्सा भी था, ये अपने आप देश था, देश था, या भोपाल के नवाब थे, या हैदराबाद के निजाम थे। लगता है कि जिस तरह से आज पहचान का संकट बुंदेलखंड के साथ खड़ा हो गया है, वैसे संकट कश्मीर के साथ खड़ा हो गया। देखिए मुझे लगता है कि अभी बड़ी त्वरित और फौरी प्रतिक्रिया होगी किसी भी चीज़ की, जब कोई घटना घटित होती है तो हम तो किसान के बच्चे हैं, हमारा ये मानना है कि अगर आम का पेड़ आज लगाया है और अगर हम सोचें कि आज ही कल्पना कर लें और अपने पूरे आम हम आज ही बेच दें कि साहब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लगेगा कि भैया 4-1 साल में एक बड़ा होता है वृक्ष और उसके बाद वो फल देता है, तो फल देने तक या वृक्ष अगर आज रोपा है तो जब तक वो दरख्त, पहले आपको बकरियों से बचाना पड़ता है तो आप अगर लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो फिर आपको उसके फलों को चोरों से बचाना होता है, तो आप एक बाउंड्री वॉल खड़ी कर देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि एक फौरी प्रतिक्रिया होगी अगर आज कोई एक चीज घटित हो गया। इसके बाद जोड़ना चाहूँगा खट्टा मीठा तय करने तो मेरा ये मानना है कि हम तो इसको मीठे के तौर पर ही लेते हैं, क्योंकि जब चुनाव हम ही को करना है और ऑप्शन खट्टे और मीठे में से किसी एक का चुनना है, तो मैं मीठे का चुनाव करूंगा कि मीठा ही है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बड़ी सकारात्मक होती हैं, कहीं ना कहीं जो एक किस्म का वहाँ पे कई किस्म की जो एजुकेशन है, जो वहाँ का पर्यटन है, जो जब चीज़ें शांत होती हैं तो समृद्धि कभी भी अगर आपसे हम ये कहें कि आप पानी में चेहरा दिखाई देता है तो उस पानी के उबलते पानी में तो चेहरा दिखाई नहीं देता, पानी में चेहरा दिखाई देता है, लेकिन अगर चेहरा देखना है तो उस पानी को हमें
शांत करना होगा। तो शांति समृद्धि का प्रथम कदम होता है। समृद्धि शांति को जन्म नहीं देती। आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति समृद्ध हो वो शांत भी होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो उसकी प्राथमिक आवश्यकता है कि आपके पास शांति। आप एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा कि एक अभी हाल में 50 लेखक भी हैं, फिल्मी कलाकार भी हैं और तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति को, लेकर असमानता और तमाम सारी चीज़ों को लेकर और चिंता जाहिर की। उसके जवाब में 61 लोगों ने फिर चिट्ठी लिखी। इन दोनों में से आप अपने को किस खेमे में पाते हैं? अगर आप उससे पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि आंसुओं को पहुंचना कुछ और है पर आंसुओं को बांटना कुछ और है, और खाइयों पर पुल बनाना और है पर खाइयों को बांटना कुछ और है। तो आप किसी खेमे में, हमारी और आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट ये है कि हम और आप सब किसी ना किसी को कोई ना कोई खेमे में बांट देते हैं कि ये फला गैंग है, ये ढिका गैंग है, ये एस एम का गैंग है। हम ये भूल जाते हैं कि हम ही हम एक दूसरे के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हमें किसी चीज़ को सतर्क रहना है तो कहीं कोई कोई दूसरा हमारे किसी दूसरे के खिलाफ लड़ा गया युद्ध हमें उतनी पीड़ा नहीं देता पराजय की जितनी स्वयं के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध पराजय की। तो थोड़ा सा हम ये मान के चलें कि हम ही हम हैं, एक ही दूसरे के हैं और एक ही दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और एक ही दूसरे के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसको न झगड़े हम आपस में, कर कर टूट जाएंगे। तुम्हारा आईना हम है, हमारा आईना तो खूब पढ़ता, मैं इन पर ध्यान ही नहीं देता। मेरा ये मानना है कि मैं इधर पर किसी को सुधारने नहीं आया हूँ, मैं इधर पर करेक्ट करने नहीं आया हूँ। अगर आपको ये मेरा सत्य है, मेरे सत्य से आपको ना इत्तफाकी रखने का पूरा अधिकार है। इस चीज में मेरा अखंड विश्वास है कि असहमति और अशिष्टता दो अलग अलग चीजें हैं। तो मैं, क्योंकि विरोध और वैमनस्य, विरोध विचारों का होता है और वैमनस्य व्यक्तियों के प्रति होता है, तो मैं विचारों के प्रति वैमनस्य के भाव से नहीं भरा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अशिष्ट सहमति से कहीं बहुत बेहतर होती है शिष्ट असहमति। कि हम और आप यहाँ पर विचार विनिमय कर रहे हैं, तो जब दो विचार वाले लोग बैठे हुए हैं तो उनके बीच में आवश्यक नहीं होगा कि दो विचार वाले लोग एक से विचार, या क्योंकि ये द्वंद विचारधाराओं का नहीं है, ये मानसिकताओं का है। और समान मानसिकता के दो लोग आवश्यक नहीं है कि वो समान विचारधारा के, और समान विचारधारा के दो लोग आवश्यक नहीं है कि समान मानसिकता। तो जिसको हम कहते हैं कि आइडियोलॉजी और मेंटालिटी, तो हमको और आपको कहीं ना कहीं जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, तो मैं इस चीज में अखंड विश्वास करता हूं कि आपको पूरा अधिकार है। और दूसरी चीज, हर व्यक्ति की पहचान उसकी अभिव्यक्ति से होती है। शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, कुत्ता भौंकता है। तो मैं इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करता हूं कि मेरी ध्वनि मेरे चित्त और चरित्र की का परिचय करवा देगी। भौंकने की है कि दहाड़ने की? नहीं, और दहाड़ने की भी जरूरत नहीं। हम पशु तो नहीं है, हम पशु से थोड़ी उन्नत अवस्था के लोग हैं, मनुष्य हैं। तो निश्चित रूप से हमारी और आपकी जो रुचि है वो संवाद की रुचि है। तो अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम संवाद के पक्षधर हैं या विवाद के पक्षधर हैं। आप ही के जगत से कुछ लोग कहते हैं कि अब ये कुछ लोग कहते हैं, और वो जो लोग कहते हैं अगर उनके लोगों के ऊपर हम और आप बैठ के चर्चा करने लगेंगे तो ये उनके साथ और हम दोनों के साथ अनितिपूर्ण बात है। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कुछ लोग तो कौन लोग, अच्छा फिर जब उन लोगों के हम नाम लेंगे तो हम और आप कौन होते हैं, उनका
उनकी मानसिकता को जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, जिनकी परिस्थितियों के बारे में हम जानते भी नहीं उनकी परिस्थितियों के बारे में। अब मैं अगर कुछ बोल के चला जाऊं और मैं और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, सुनने वाले मुझे जानते ही नहीं है या सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना है। नहीं, मैं कहता हूँ मैं ध्यान ही नहीं देता, इसलिए मैं शिकार ही नहीं होता। आपका ध्यान देना, मुझे नहीं पता कि मैं ट्रोल हुआ हूँ, ईमानदारी की बात। और जबकि मैं फेसबुक के ऊपर काफी एक्टिव हूँ और मैंने अभी तक जितना भी लिखा है, अगर आप मेरा कभी टाइमलाइन सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको वही लोग जो अपने अपने प्रोफाइल पर झगड़ रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोग बड़ी सकारात्मक और बड़ी पुष्ट बातें करते हुए आपको हमारी टाइमलाइन पर नजर आएंगे। तो कारण क्या है? क्योंकि वो जानते हैं कि आशुतोष राणा को हुज्जत पर विश्वास ही नहीं, मैं इज्जत करने में विश्वास करता हूँ। जी, एक किताब मेरी आएगी अगले की कृपा से, जिसका नाम है राम राज्य। तो रामायण की तमाम घटनाओं को जो एक, चूंकि हम सनातनी व्यक्ति हैं और हमारा जन्म जो है हिंदू परिवार में हुआ है और रामलीला मैंने की भी हुई है, रामलीला से करते करते ड्रामा भले पर्दे पे हम पहुंचे हैं, तो रामलीला से भले पर्दे तक का हमारा सफर है। तो राम तो जो है वो हमारे चित्त में है, चरित्र में है, चिंतन में है। और मेरा ये मानना है कि रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना को भी राम कहा जाता है। तो इस नाते हम और आप सब अयोध्या हैं। तो इस देश में रहने वाला जितना भी, क्योंकि राम सिर्फ मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो जीवन की चेतना है। तो जब अगर हमारे और आपके अंदर वो प्रकाशित हो रहे हैं, तो जहाँ वो प्रकाशित हो रहे हैं उस भूमि को आप अयोध्या कहते हैं। तो हम और आप सब यहाँ पे बैठे हुए, अभी तो अगर मान लीजिए कमरे में 10 लोग बैठे तो 10 अयोध्या बैठे हुए। तो भगवान श्री राम जो, जिनको मैं नायकों का नायक मानता हूँ, जिनको मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में इतने अवतार हुए, लेकिन जब हम राज्य की बात करते हैं तो हम राम राज्य की बात करते हैं, हम बाकी के अवतारों के नाम के राज्य की बात नहीं करते। तो मैं बस उनके ऊपर ही कि मुझे क्या लगता है और मैंने मुझे क्या समझ में आ रहा है, उनके ऊपर एक किताब लिखता हूँ रामायण को अपने। एक कविता मैं आपसे सुनूंगा और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल नया हो, जो एकदम से जाए और जब मुंबई पहुँचे इससे पहले पहुँच जाएगा, उससे पहले एक जवाब मैं चाहूँगा जी। मीटू, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपने बड़े काम किया, मीटू सच है कि मिथ है? देखिए, अब इसमें चूंकि हम तो शिकार हुए नहीं है, मैं सिर्फ फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात दूसरे माध्यमों में भी आई है जी। अगर हम मीडिया की बात करें तो ऐसे भी जुड़े लोग हैं, एक सामाजिक समस्या के रूप में थी, पर चूंकि एक वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरह की चमक दमक की चीज़ें होती हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं जी, तो मैं उससे जानना चाहता हूँ आप देखी सुनी बातों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करता, निजी अनुभवों के आधार पर मैं ये कहता हूँ। जिन वर्क प्लेस पे आपने काम किया है, जिन वर्क प्लेसेस पे मैंने काम किया है, तो मुझे जो अभी तक समझ में आया है कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई चीज, क्योंकि जबरदस्ती बलात् जैसी जो चीज होती, तो वैसी कोई घटना मेरे सामने तो अभी तक नहीं है। एक्सप्लॉइट तो अब अगर आप यही कह देंगे, मान लीजिए आपने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, पत्रकार को बुलाया आपने और आपसे कह दिया कि तुमको घंटा भर बैठ के मेरी रिपोर्ट भी बनानी है, हम बोले वो कह देगा। कहने का मतलब तो एक्सप्लॉयटेशन तो एक ऐसी चीज़ है कि जो कहीं ना कहीं, मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि आपको मुझे 80 फुट से छलांग लगानी है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन सीन की रिक्वायरमेंट है, तो अब इसको एक्सप्लॉयटेशन के कई किस्म के स्तर होते हैं, तो जिसको हम और आप उसको सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कभी कभी हमारा चित्त भी, बहुत सी चीज़ें होती ना कि कभी आपका मन नहीं करता कि आप दफ्तर आए, लेकिन आपको आना पड़ता है, तो अब ये कह दें हम कि
मैं बच के बिल्कुल नहीं निकलता। मैं चूंकि इसलिए लग रहा है कि लोग आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये चाहते हैं या तो ठेठ पक्ष में खड़े हो या ठेठ विरोध में, और मैं थोड़ा सा समग्र सोचने का मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि मैं अगर यहाँ से उठते जाऊंगा तो मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा कि आप गलत आदमी, मेरी वो प्रकृति ही नहीं है। मेरी ये प्रकृति नहीं है कि मैं शशिकांत को कह दूं कि ये मूर्ख है, कि अगर इनसे मेरे विचार नहीं मिले तो मैं कह दूं कि वो क्या समझते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको ये विचार समझ में नहीं आया, ये मेरा अपना विचार है, तो आशुतोष इस विचार को और खुद समझो। तो अगर कटघरे में खड़ा करना होगा तो मैं स्वयं को कटघरे में खड़ा करूंगा, वनस्पत किसी और के, तो शायद इस कारण आपको ये लग रहा होगा कि मैं बच के निकल रहा हूँ। मैं नदी की धार की बात कर ली। एक ताजा हवा का झोंका चाहिए। देखता हूँ कि मैं मेरे फोल्डर में वो है कि नहीं, क्योंकि मैं अपनी पूरी किताब ही मैंने इस पे लिखी है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आप लोग इस पे लिखते हैं और मैं इस पे लिखता हूँ, तो इसलिए रास्ते में चलते चलते ये एक कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। इसका नाम है संसार में बहुत सारे दानव हुए, रावण भी हुए, कंस भी हुआ, दुर्योधन भी हुआ, दुशासन भी हुआ, और भी उन्होंने कहा कि साहब तारकासुर भी हुए, नरकासुर भी हुए, लेकिन किसी के नाम से योग नहीं रखा, सिर्फ कली नाम के दानों के नाम से योग रखा गया। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि कली इन सबसे कितना फार 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 एडवांस वर्जन होगा कि जिसके नाम से आपने योग रख दिया। तो कली और परमात्मा का संवाद है, तो मैं अभी सिर्फ आपको कली का संवाद सुनाऊंगा। परमात्मा उनको क्या जवाब दे रहे हैं वो मैं अगले कभी किसी सेशन में आया तो मैं सुनाऊंगा, अन्यथा वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कली का ये कहना है, कली आके बोल रहा है परमात्मा से कि अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अब कुबुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ, और चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो, इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूँ। क्या बात, क्या बात। और चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, और चाहता हूँ इस धरा पर द्वेष फूले और फले। कली कह रहा है कि चाहता हूँ इस धरा पर द्वेष फूले और फले, और चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल फले। वो परमात्मा से कह रहा है, और मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो। क्या बात, वो बता रहा है कि आप ये मत समझिए कि रावण, कि मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, और मैं नहीं वह कंस जिसकी बांह तुम उखाड़ दो, मैं इस जगत का हूँ अधिष्ठाता मुझे पहचान लो। क्या बात, मैं इस जगत का हूँ अधिष्ठाता मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूँ बात तुम ये जान लो, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए। क्या बात, परमात्मा से कह रहा है कि जो तुम्हारे भक्त है ना, तो कली कह रहा है कि अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, और अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं, और मारना है मुझको, मारना है मुझको, तो पहले इन्हें तुम मार दो। क्या बात है, क्या बात। वो कह रहा है कि मुझे अगर डिस्ट्रॉय करना है तो भाई भूल जाना, तो मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, और युद्ध करना चाहो तो पहले ही से राज लो। क्या बात है, कि अब तुम्हारे भक्त ही घुर विरोधी हो गए। किसके, तुम्हारे, कि अब तुम्हारे भक्त ही अब घुर विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं, और मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और। क्या कह रहा है, राय थे राम अवतार कृष्ण अवतार, तो कह रहा है कि मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का, अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका। कौन कर चुका,
क्या अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, और रावण बड़ा ही वीर था वो कब का छल से मर चुका, छल से मरा है, और तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, कि तुमने हमारे इन लोगों को एक को छल से मारा और दूसरे कंस को, कि तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, और मैं करूंगा हत तुम्हें बस्ती में सबके सामने। और कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, कि कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे, वह जिद पकड़ना जानते थे। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊं, ये छोटी बात है दी, पांच एक सुई की नोक की जमीन नहीं दूंगा। या सीता जी को उस कली कह रहा है, बहुत छोटी बात है कि मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। ये तुम अगर झंझट में अगर सोच रहे हो कि मैं नहीं अब जीतता दुनिया किसी भी देश को, क्या कि भूमि जीत ली और राजा हो गए, मैं नहीं अब जीतता दुनिया किसी भी देश को, मैं हड़प लेता हूं अब इन मानवों के वेश को। हम ही उसके भूमि है, हमारे ऊपर राज कर रहा है, कि मैं नहीं अब जीतता दुनिया किसी भी देश को, मैं हड़प लेता हूं अब इन मानवों के वेश को। और मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो, वास करते हो, वाह कि तुम इसमें वास कर रहे हो ना परमात्मा, कि मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते, तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, और तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। इन्हीं को तारने आ रहे थे ना, बहुत बढ़िया कि अब मनुज की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुज के तन का हर एक रोम मेरा दास है, और काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट। क्या बात है, कि काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। कि तुम बिना डिस्ट्रॉय करे, और तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक शिष्ट थे, चैलेंज कर रहा है कि तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक शिष्ट थे, और इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे, अब बचो अपने ही भक्तों से संभालो जान को। अब कौन कर तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है, क्या बात है, क्या कि अब बचो अपने ही भक्तों से संभालो जान को, और बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। मैं नहीं अब रूप धर के सच सबर के घूमता हूँ, मैं नहीं अब छल कपट को सर पर रख के घूमता हूँ, अब नहीं है निंदनी चोरी डकैती और हरण, अब हुए अभिनंदनी ये झूठ हत्या और दमन, मैं गली हूँ आचरण मेरे तुरंत धारण करो। मैं कली हूँ आचरण मेरे तुरंत धारण करो, अन्यथा अब कीर्ति कुंठा के उचित कारण। तुम्हारे हिसाब से नहीं चले तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो उन्होंने थोड़ा सा सुना, नहीं तो आदमी को लगेगा कि कली की सुन के चले गए। तो महामोहन जो है उनका मुखर घोष है, कली ने उनको चुनाव तो दिया, चैलेंज तो किया, अब वो कहते हैं कि तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा। क्या परमात्मा कहा है कि तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा, और तेरे हृदय की वेदना को मन ही मन बुनता रहा, है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत के वास्ते, और चाहता है बंद करना तू सभी के रास्ते, मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है। क्या बात है मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है तू पर ज्ञान होना चाहता है। तो वो अज्ञानी लेकिन ज्ञान होना चाहते हो, और तू क्या है, तू कि तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है। क्या बात, वाह, क्या बात, प्रतिवाद हो कि आपने मुझ पे आरोप लगाया, प्रतिवाद, और फिर मैंने आप पे आरोप लगा दिया, तो विवाद, तो तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, और तू स्वयं ही ब्रह्म उसका नाद होना चाहता है। तुम ये बता रहे हो तुम ब्रह्म और उसके नाद हो, तो तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का, और तू स्वयं ही अब विश्व का गोपाल होना चाहता है। क्या बात तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को विकट शक्तिशाली होता जानता है, और तू नहीं कली कुछ भी,
इस सत्य को तू जान ले और कुछ नहीं है बस मैं तेरे बात मेरी मान ले। तू क्या है कि तू बीत गया ऐसा कल है या आने वाले कल का छल। क्या है तू बीत गया ऐसा कल है या आने वाले कल का छल। मैं वर्तमान का महाराज मैं सदा उपस्थित पुलकित पल। क्या तू बीते कल की ग्लानी है या आने वाली चिंता है। मैं वर्तमान आनंद क्षण ये विश मुझी में खिलता है। और तू कल की बातें करता है मैं कल की बनकर रहता हूँ। और तेरे कल की चिंता ग्लानी मैं कल की याद मिटाता हूँ। तू कली कपट का ताला है मैं कल की उसकी ताली हूँ। और तू शंका की महाधुन मैं समाधान की लाली हूँ। शंका के महाधुन कि कल का मतलब जो बीत गया कल का मतलब जो आएगा कल का मतलब जो है मशीन कल वो जो दुख पहुंचाएगा कल का मतलब जो ग्लानी है कल का मतलब जो चिंता है कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। वाह आने वाला है बीता हुआ कि तुम्हारी औकात क्या है। कली को बता रहा है कि कल तो बस एक खुमारी है कल बीत रही बीमारी है। क्या कल तो बस एक खुमारी है कल बीत रही बीमारी है। कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा कल तो उसकी बेकारी क्या है। आशा नहीं प्रत्याशा। प्रत्याशा कल वो जिसका अस्तित्व नहीं कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं और कलयुग तो एक कल्पना है जिसमें जीवन का सत्य नहीं। अभी तू बच्चा है। वाह वाह क्या बात क्या बात क्या बात। कली अभी तू बच्चा है तू वीर नहीं। कली अभी तू कच्चा है तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको आज सिखाता हूँ मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ। क्या वाह मैं सत्य सनातन आदि पुरुष मैं सत्य सनातन आदि पुरुष मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में मैं सतयुग नाम धरा। और जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूँ। और आनंद मग्न जब होता हूँ तब शिव शंभु कहलाता हूँ। जब प्रलय तांडव नृत्य करूं तब महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही महादेव की डमरू मैं ही वंशीधर का गान और मैं ही परशुराम का फरसा मैं ही श्री राम का बाण और तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार। मैं सृष्टि का विजयनाथ हूँ मनुज हृदय की जय जयकार। और तू भी अनंग मैं भी अनंग तू संग संग मैं अंग अंग तू है अरूप मैं दिव्य रूप तू कली कपट सा है कुरूप तू खंड खंड मैं हूँ अखंड मैं शांत रूप मैं हूँ प्रचंड। मैं ही सकार मैं ही नकार मैं धुआंधार मैं ही मकार मैं ही पुकार मैं चीतकार मैं नमस्कार मैं चमत्कार। बैरी का बैर प्रेमी की प्रीत निर्बल कमान मैं उसकी जीत मैं ही ध्यान मैं ही हुए जान ये आन बान सारा जहान। इसके आगे बहुत लंबी है क्योंकि लेकिन कली जब उनको समझ में आ जाता है कली उसको कहते हैं कि तू कुचला जाएगा तो कली कहता है कि ये कली का दिल डूबा। क्या दयावान तुम पाप करो मेरे कसूर को माफ करो मेरे अंतस की कालिक को स्वामी मेरे अंतस की कालिक को अंतस की कालिक